लोखंड वाला मार्केट में क्या आपको सबसे बेस्ट खाने का मिल सकता है, किस टाइप का मिल सकता है, वो हम आपको इस वीडियो में पूरा दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम जाएंगे हाई पॉइंट पे। तो ये है हाई पॉइंट, यहाँ पर आपको बाई चांस अगर आप लकी हो तो आपको यहाँ पे सेलिब्रिटीज भी देखने मिल सकते हैं कभी भी, क्योंकि इस रोड पे आपको काफी टीवी स्टार्स, फिर रियलिटी शोज, फिर सीरियल वाले काफी सारे आपको इस रोड पे देखने मिल जाएंगे अगर आप लकी हो तो। वैसे यहाँ पे अगर आप दो चार घंटे निकालोगे कोई ना कोई मिल ही जाएगा। वैसे ये रेस्टोरेंट प्योर वेजिटेरियन है और यहाँ की भाजी पाव साउथ इंडियन बहुत फेमस है। ज़ोमैटो स्विगी करते हैं यहाँ से ज्यादातर लोग, और हमने मंगवाई है भाजी पाव। थोड़ा सा वेट करने के बाद फाइनली हमारी भाजी पाव आ चुकी है। सबसे पहले तो इतनी सारी प्याज लेके हम डाल देंगे भाजी के ऊपर। अब बारी है टेस्टिंग की। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे खाया हुआ है। मैंने नहीं खाई भाजी पाव। तो लोखंड वाला की पहली जगह तो हो चुकी है, अब दूसरी जगह दिखाते हैं एकदम मस्त स्ट्रीट साइड और गजब वाली। क्रेडिट लेना नहीं छोड़ती है, मैंने इंट्रोड्यूस की थी। तो अब हम आए हैं राजपूत डेयरी फार्म में और यहाँ पे हम क्या मंगाने वाले हैं वो जैसे आता है फिर आपको बताते हैं। तो अब आ चुका है हमारा समोसा पाव। चलते चलते भागते भागते अगर आपको अचानक भूख लगी और टाइम नहीं है आपके पास, देखो मुंबई का वड़ा पाव तो फेमस है, ठीक है, समोसा पाव इसका खा लोगे ना पेट भी भर जाएगा और मजा आ जाएगी। फिलहाल खाते हैं। सुपर टेस्टी। बाकी ना मुझे पहली बार खिलाया था ना, मेरा दिमाग माइंड ब्लोन हो गया था ऐसा। यहाँ पर आओ तो समोसा पाव जरूर ट्राई करना। अब बारी है एग्जैक्टली इसके सामने, बहुत ही गजब। क्या है अंकिता, हर लड़की का फेवरेट? समोसा पाव हमने यहाँ पर खाया था उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट में। अरे भैया हाँ, ये है पाव भाजी पानी पूरी। मतलब ऑब्वियसली इसमें पाव भाजी वाली पानी पूरी नहीं मिलती है, पानीपुरी मिलती है और भाजी पाव भी अलग से मिलता है। तो सुबह दोपहर शाम जब भी ये चालू हो जाती है पानीपुरी तब यहाँ पे ना लाइन लगी रहती है। चलो हमारी बारी आ चुकी है। लास्ट में कोरी पूरी बनती है। तो गाइस यहाँ की पानी पूरी तो बहुत ही बढ़िया थी, बट यहाँ पे है ना अंदर वो पूरी के अंदर आलू नहीं होता है, वो बूंदी होती है, उसको भिगाया हुआ और स्प्राउट्स होते हैं, यानी हेल्दी वर्जन ऑफ पानी पूरी। इन शॉर्ट आलू का मसाला नहीं होता अगर आप वो एक्सपेक्ट कर रहे हो तो। और यहाँ पे 60 रुपए की प्लेट में भी क्वांटिटी होती है 6 पीस, मतलब की 10 रुपए की। इतनी महंगी मैंने नहीं खाई। और टेस्ट बढ़िया है अगर आपको ऐसी पसंद हो, वरना यहाँ पे शाम को है ना एक साइकिल लेके भैया जी आते हैं लारी लेके, भाई उनकी बहुत बढ़िया होती है और सस्ती भी। अब आए हैं हम नेचुरल्स में, ये सब जगह पे होता है पर यहाँ पे भी है। देखो पेट में तो बिल्कुल भी जगह नहीं है पर है ना बहुत तीखा तीखा हो गया तो थोड़ा सा मीठा चाहिए। आपको जो भी फ्लेवर पसंद हो यहाँ पे कोई सजेशन नहीं दे रहा हूँ, जो फ्लेवर पसंद हो सारे आइसक्रीम अच्छे होते हैं। मेरा फेवरेट है मैंगो मिल्क शेक। मस्त, कोई रिव्यू नहीं, बेस्ट है। तो खाने में थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ेगा क्योंकि बैक टू बैक खा के ना पेट की बैंड बच चुकी है, पर आपको मिलेंगे तुरंत ही। A few hours later.
तो पेट में हो चुके थोड़ी सी जगह, बहुत ही थोड़ी सी जगह, वो जगह को और हम फिल करने के लिए आ गए हैं और आपको बताने के लिए कि और एक अच्छी जगह कहाँ है। और शाम के टाइम पे आप कभी भी यहाँ से क्रॉस हो या दोपहर को भूख लगे किधर कर फटाफट हाथ में लेकर कुछ खाना है तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या खाना चाहिए जो दी बेस्ट है पूरे रास्ते पे। तो लोखंडवाला मार्केट का ये जो कॉर्नर है फूड इन का, उसके एग्जैक्टली पास में ये जगह है वार्डन बेकरी, उसके एग्जैक्टली बाहर आपको मिलेगा कच्छ मांडवी दाबेली वाला। यहाँ की दाबेली मतलब ये पूरे रास्ते की बेस्ट दाबेली। हमने लिया अभी बटर में। कैसे भैया जी? ये हमारी दाबेली आ चुकी है। ये रोड पे आओ और ये दाबेली नहीं खाई ना तो कुछ नहीं खाओ, सीरियसली। ये मत सोचना कि कपड़े कैसे चेंज हो गए क्योंकि नेक्स्ट डे है। कल हम लोगों ने इतना ज्यादा खाया कि हमारी कैपेसिटी नहीं रही आगे ज्यादा खाने की, तो हम स्पेशली लोखंड वाला आए हैं आपको दिखाने के लिए कि यहाँ का बहुत ही फेमस रैप है। अगर यहाँ पे कहीं रैप नहीं खाया ना वो कुछ ही खाया, जनरली यहाँ का नॉर्मल बहुत फेमस पर वेज भी अच्छा आता है। रैप खाने के लिए आए यहाँ पे, यहाँ का बहुत ही फेमस है, गजब है, कहाँ का वो दिखाता हूँ। ये जगह है ब्रेड क्राफ्ट, ये भी लोखंडवाला मार्केट में, और यहाँ का रैप सुपर ज्यादा फेमस है। यहाँ पे आपको काफी सारे तरह के रोल मिल जाएंगे, वैसे तो काफी यहाँ पे नॉन वेज रोल्स भी मिलेंगे पर वेज रोल्स भी है, हम तो वेज लेंगे क्योंकि वेज है। देखो वेज में सजेशंस, मंचूरियन वाला ले सकते हो, चिली वेज ले सकते हो, और पनीर में खाने तो बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है। हमने आलू चीज लिया है। यस, हम दोनों को बीच में लेना था और लिटरली इतना हेवी होता ना कि एक इंसान ये खा लेगा तो एक मिनट के बराबर हो जाता है। और कल ज्यादा खाने के बाद है ना थोड़ा सा फोबिया हो गया है। खाने जा रही थी तुम बोलो भाग लगे खा ले। इस पूरे लोखंडवाला रास्ते में इससे अच्छा रोल आपको कहीं नहीं मिलेगा। A few hours later. तो गाइस अब है लोखंडवाला की लास्ट प्लेस, अगर आपको लंच करने के लिए आना है, डिनर करने के लिए आना है, लोखंडवाला में इससे बेस्ट प्लेस आपको खाने के लिए नहीं मिलेगी। मतलब यहाँ पे वेज और नॉन वेज दोनों मिलता है। हाँ, ये यहाँ का हमने वेज खाया है और भिंडी तो मैं ये बता रहा था, यहाँ पे वेज नॉन वेज दोनों साथ में मिलता है, अगर उसके उस चीज से आपको प्रॉब्लम नहीं हो तो इससे अच्छा खाना आपको यहाँ पे पूरे स्ट्रीट पे नहीं मिलेगा। ये है फूड इन, आप सिर्फ गूगल में डालोगे लोखंडवाला मार्केट में, किसी को पूछेगा ये जगह फेमस है। देखो वैसे तो यहाँ पे सारा ही खाना अच्छा आता है पर हमारा गो टू फूड क्या है, भिंडी मसाला, जीरा आलू दाल तड़का और जीरा राइस और चपाती। चपाती तो है ही, जो भी रोटी आपको मंगानी मंगा सकते, चपाती हम हमेशा मंगाते हैं, भिंडी या तो फिर जीरा आलू में से कोई भी एक चीज मंगाते हैं, पर दाल तड़का और राइस तो मंगाते हैं। यहाँ पे ना पिज्जा भी बहुत मस्त मिलता, मैंने एक बार पाम फ्रेश वाला। हाँ, आप मुझे पिज्जा बाकी पिज्जा ट्राई करना तो कर सकते हो पर होलसम पिज्जा हमने हमेशा ट्राई किया और बहुत ही गजब होता है। इसमें डब्बे भी क्रेविंग हो गया पर मेरा पेट फुल है और मैं को पता हिरन शेयर नहीं करेगा। और अगर जीरा आलू और भिंडी मसाला में हमारी प्रायोरिटी चॉइस जाननी हो तो भिंडी मसाला ऑलवेज बेस्ट। और यही ऑर्डर हमारा आज का भी है, भिंडी मसाला रोटी दाल तड़का और राइस। तो ये आ चुकी है हमारी भिंडी रोटी और दाल। खाने का तरीका निवाला लो, दाल मजा नहीं लगी, अल्टीमेट। हमारा खाना हो चुका है खत्म और आप लोगों को हमने बता दिया कि लोखंडवाला मार्केट वाले रोड पे अगर आ रहे हो तो आपको क्या क्या खाना चाहिए और क्या आपके लिए बेस्ट है तो आप चूज कर लेना। पर खाने से पहले सब्सक्राइब, बेल आइकन, लाइक, शेयर, कमेंट एंड आपको हम बहुत सारी जगह पे ट्रैवल करके वहाँ की भी आपको फेमस जगह की रिकमेंडेशन चाहिए तो प्लीज डू कमेंट, हम आपके लिए इस टाइप के कंटेंट बनाने की कोशिश करेंगे।